बनारस की तंग गलियों में, देखो अंधेरा हो गया यार काफी, 12 बजे आएंगे तो ऐसे ही मिलेगा ना भाई। बनारस की तंग गलियों से मणिकर्णिका घाट, शमशान घाट, कुछ कुछ दुकानें चालू हैं नाश्ते पानी की, काफी तो बंद हो गई है। चलो कुंदन भाई नहीं आ रहे थे, मैं तो जबरदस्ती लेकर के आया, चलो चलो कुंदन भाई रात को शमशान में देखने का फिर मौका नहीं मिलेगा, तो आ गए भैया। चलो अब आ गए तो कुछ टाइम यहाँ भी व्यतीत कर लेंगे। हाँ तो कुंदन भाई, हाँ यहाँ पर बताइए, आप मणिकर्णिका घाट शमशान घाट पहली बार आ रहे हैं? पहली बार। अच्छा, हमेशा नाम सुना था पर कभी आए नहीं थे, आज पहली बार आ रहे हैं। और यहाँ पर सुना है कि चिता की आग ठंडी नहीं होती, ये देखिए एक बॉडी और आ गई है, एक बॉडी और आ चुकी है, एक शव और आ गया है, तो इस तरह ये चलते रहता है। जय श्री राम, हर हर महादेव। तो मित्रों, हम हैं इस समय कुंदन भाई के साथ में मणिकर्णिका घाट। मैं तो कई बार आ चुका, कुंदन भाई पहली बार आए हैं। ये वही मणिकर्णिका घाट है, अभी रात के लगभग 12:30 बज रहे, जहाँ पर कहते हैं कि चिता की आग यहाँ ठंडी नहीं होती। तो ये देख सकते हैं हम रात के लगभग 12:30 बजे,
मणिकर्णिका घाट के शमशान भूमि पर हैं। इनकी बड़ी इच्छा थी तो मौका मिला तो हमने कहा कि चलो कुंदन भाई को भी बिठा देते हैं। मेरी खुद की भी इच्छा है कि जब मैं देह को त्यागूँ तो मैंने बच्चों को बोल रखा है कि मेरा अंतिम संस्कार इसी घाट पर करना, ये हमारी इच्छा है। और ये पीछे देख सकते हैं बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर, और घाट को काफ़ी सुंदर बना दिया गया है, बहुत ही सुंदर बनाया गया है। ये बाबा विश्वनाथ टेम्पल का कॉरिडोर है और ये है पीछे गंगा मैया। यहाँ पर लाशों का सिलसिला थमता नहीं, बारो मास 24 घंटे, दिन हो चाहे रात हो, यह घाट हमेशा चालू रहता है, हमेशा जीवित रहता है, यहाँ रात होती ही नहीं समझो। हम भ्रमण करते त्रिपुर भैरवी घाट पर पहुंचे हैं और पूरा सन्नाटा है, रात के 1 बज रहे हैं। कुंदन भैया थे और मेरी बातों को माने, क्योंकि कुंदन भैया का मूड नहीं था आने के लिए घाट पर, लेकिन मेरा बड़ा दिल था, मेरी बड़ी इच्छा थी और कुंदन भैया ने मेरी इच्छा को मान दिया और मेरे साथ आए। थैंक यू। तो बहुत बहुत धन्यवाद कुंदन भैया कि बनारस में रात घूमने का आनंद जो है कुछ और ही है। बिल्कुल एकदम अद्भुत है।